गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन सिक्स, द दशहरा फेस्टिवल। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था कि भारत एक त्योहारों का देश है, इसमें बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। और उसके अलावा हमने दशहरे के बारे में पढ़ा था कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ये सब हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि दशहरा है वो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन राम ने रावण को हराया था और सीता को वापस लेकर आए थे, क्योंकि रावण ने सीता की पत्नी का अपहरण किया था, यानी कि रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था और उन्हें लंका ले गया था। तो उसके बाद में वहाँ पर राम अपनी सेना सहित जाते हैं और रावण को पराजित कर वहाँ से सीता को वापस लेकर आते हैं। तो जिस दिन वो आते हैं उसी की खुशी मनाने के लिए हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर नवरात्रि के दौरान, यानि कि अश्विन शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर दशमी के बीच रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न दृश्य दिखाए जाते हैं। और उसमें हमने पढ़ा था कि राम के जीवन से संबंधित, जैसे नारद मोह है, राम जन्म, राम विवाह है, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीताहरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण, राम रावण युद्ध आदि कई अभिनय जो अभिनीत मंच पर किए जाते हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। तो आज अपने उसी से आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि नाइन्थ डे तक क्या होता है और उसके बाद में टेंथ डे यानि कि अश्विन शुक्ल मास की दसवीं के दिन क्या होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑन द टेंथ डे लार्ज इफिजीज ऑफ रावण, ऑन द टेंथ डे लार्ज इफिजीज ऑफ रावण, हिज सन मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन ए बिग ग्राउंड। कि दसवें दिन यानी कि दशहरे वाले दिन विशाल पुतले रावण, उसके पुत्र मेघनाथ और उसके भाई कुंभकर्ण के भूमि के ऊपर खड़े किए जाते हैं। यानी कि हमने देखा होगा कि दशहरा सेलिब्रेट करने के पहले इन सभी को जलाया जाता है, तो इनके पुतले बनाए जाते हैं और तीनों को बड़े बड़े विशाल पुतले बनाकर एक मैदान के अंदर खड़े किए जाते हैं। दीज इफिजीज आर स्टफ्ड विद फायर क्रैकर्स, और ये पुतले हैं वो पटाखों से भरे हुए होते हैं। स्टफ्ड भरे हुए, फायर क्रैकर्स मीन्स पटाखे। इन द इवनिंग पीपल बिगिन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स। शाम के समय लोग रावण दहन और उन आतिशबाजी को देखने के लिए एकत्रित होते हैं। असेंबल एकत्रित होना, यानी कि दसवें दिन क्या होता है, पहले वो रामलीला का दृश्य होता है, उसके बाद में दसवें दिन रावण मेघनाथ और उसके भाई कुंभकर्ण, और मेघनाथ रावण का क्या था, पुत्र था, और कुंभकर्ण उसका भाई था। तो आपने भी रामलीला देखी होगी, देखा होगा कि कुंभकर्ण कितने गहरी नींद में सोता है और कितने लंबे समय तक सोता है, और उसको जगाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखना। तो उनके पुतले बनाए जाते हैं और उन पुतलों को किससे भरा जाता है, फायर क्रैकर से यानी कि पटाखों से भरा जाता है। और जब उनका दहन किया जाता है तो वो आतिशबाजी जो होती है वहाँ पे वो देखने लायक होती है। जैसे कि ये सीन आपको नीचे दिखाए जा रहे हैं, इस तरह से वहाँ पे अपने को आतिशबाजी का दृश्य दिखाई देता है और जलाने का दृश्य आपने देखा था पिछले वीडियो में कि किस तरह से ये विशाल पुतले बना के बीच में रावण है, एक तरफ यानि कि लेफ्ट साइड में मेघनाथ और राइट साइड में है वो कुंभकर्ण है। उसके आगे लिखा है फेयर्स आर ऑर्गेनाइज एट वेरियस प्लेसेज ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन।
फेयर्स मिस होते हैं मेले, ऑर्गेनाइज्ड मिस आयोजित किए जाते हैं, वेरियस मिस होते हैं विभिन्न प्लेसेज मिस स्थानों पर, ऑस्पियस मिस मांगलिक ओकेजन मिस अवसर पर, इस मांगलिक अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मेले आयोजित किए जाते हैं, यानी कि बहुत से मेले भरते हैं। चिल्ड्रन इन्जॉय देमसेल्व्स इन मेनी वेज, और बच्चे बहुत से तरीक़ों से अपने आप को आनंदित करते हैं, यानी कि इस मेले का इन मेलों का इन्जॉय करते हैं। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क। वे विभिन्न पात्रों का रोल भी अदा करते हैं, भूमिका भी अदा करते हैं, जैसे कि राम, कोई राम बनता है, कोई हनुमान बनता है, कोई राक्षस बनता है। अब बनते कैसे हैं, अपने हाथों से निर्मित जो भी मास्क यानी कि मुखौटे होते हैं, जो भी मुखौटे होते हैं और आर्म्स यानी कि हथियार होते हैं उनका यूज करते हुए वे इनकी भूमिका अदा करते हैं, यानी कि बच्चे राम हनुमान और राक्षसों की अपने हाथों से निर्मित मुखौटों और हथियारों से भूमिका अदा करते हैं, यानी कि कोई हनुमान बनता है, कोई राम बनता है, तो कोई राक्षस बनता है। एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन ए चैरियट विद वानर सेना, और जैसे ही सूर्यास्त होता है राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ एक रथ पर आते हैं। चैरियट मीन्स होता है रथ, घोड़ा गाड़ी। राम शूट्स एरोज एट द एफिजीज, और राम है वो उन पुतलों के ऊपर तीर दागता है। द एफिजीज कैच फायर एंड बर्न टू एशेज, और पुतले हैं वो आग पकड़ लेते हैं, यानी कि आग में जल जाते हैं और राख बन जाती है। एशेज मिस होती है राख का ढेर, बर्न मिस होता है जलना। फायर वर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर, और उसके अलावा पटाखे और आतिशबाजी वो हवा के अंदर फूटती है, यानी कि हम देखते हैं तो नीचे से अपने को ऊपर उठती कोई चीज़ दिखती है और ऊपर जाके वो एकदम से विस्फोट होता है। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के अंदर लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जाते हैं। ग्रीट मतलब होता है अभिवादन करना। दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, दशहरा है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह है। सिंबल मीन्स चिन्ह प्रतीक, यानी कि दशहरे को हम बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानते हैं और इसीलिए हम दशहरे को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने इस लेसन में पढ़ा कि दशहरा कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। उसके अलावा हमने इस लेसन में रामलीला के कुछ सीन के बारे में भी पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। और आप भी जिस किसी ने भी रामलीला नहीं देखी है या रामायण नहीं देखी है वो एक बार इसे अवश्य देखें, आपको आनंद भी मिलेगा और कुछ सीखने को नया मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके हार्ड वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।